आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में, और इस समय 22% तक की डिलीवरी दिख रही है और मोर देन 35% तक के करेक्शन के बाद विद इन 3 मंथ में स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो इस स्टॉक में किस किस को डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड की क्या तारीख है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्वेरी आते हुए दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जिस किसी ने भी इस स्टॉक को 14 जून यानी 14 जून तक बाइंग कर रखा है, वो सभी लोग डिविडेंड पेइंग के लिए एलिजिबल हैं। इस समय डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदने की गलती नहीं करें, क्योंकि जो उसका एक्स डेट है तभी तक आप खरीदते हैं तो एलिजिबल होते हैं। साथ में ही 51 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है, और ये डिविडेंड क्रेडिट आपको जो है 30 जून का डेट है यानी 1-2 जुलाई तक हर किसी जो भी शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में आते हुए दिखेगा। और टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो 910 के ऊपर ही बाइंग करना है। जब तक ये स्टॉक 910 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस स्टॉक को इग्नोर करे। इस समय ये स्टॉक 880-890 से लेकर के 840-850 के बीच में कंसोलिडेट फॉर्म में